कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को भाजपा युवा मोर्चा सहित नगरवासियों ने दी श्रद्धांजलि। पार्टी भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल में जंग खत्म हुई थी। लगभग 60 दिनों तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई के दिन हमारे देश के जानबाज फौजियों ने जीत हासिल की थी। इस दौरान पार्टी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सहित नगरवासियों ने बस स्टैंड आजाद चौक पर आजाद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा के आगे मोमबत्ती जलाकर कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज सेवी धर्मेंद्र भावसार ने बताया कि 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। इसे लेकर 5 मई के दिन भारतीय सेना गश्त पर निकली तो पाक सेना द्वारा भारतीय सेना के 5 जवानों को बंधक बनाकर यातनाएं देकर मार दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस युद्ध में 2,00,000 भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था और ये युद्ध 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 के दिन आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत की जीत विजय गाथा हर ओर गाई गई। तभी से हर साल 26 जुलाई के दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान भाजपा वरिष्ठ नेता संतोष पाटीदार, लखन भावसार, जयंती राठौड़, नरेंद्र राठौड़, शबीर मिर्जा, दीपक मालविया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष भावसार, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल धनगर, सेलू परमार, सावन चौहान, मनोज गोले सहित नगरवासी उपस्थिति रहे। पाटी नगर में 26 जुलाई 2024 को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 25 वर्ष पूर्व 3 माह की लंबी लड़ाई के बाद हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के कारण हमें कारगिल दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। लगभग 3 महीने के प्रयासों से और पाक के नापाक इरादों को दूर करने के लिए हमारे वीर जवानों ने ऐसे कई पाक जो षड्यंत्रकारी जो आतंकवादी के रूप में हमारे देश की सीमा पर कब्जा कर रहे थे उनको हटाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने उन्हें नष्ट नाबूद किया और कारगिल की घाटी पर तिरंगा फहराकर आज से 25 वर्ष पूर्व विजय कारगिल दिवस मनाया। आज उसी के अवसर पर पाटी नगर में भी हमारे राष्ट्रभक्तों के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया।